परिपूर्ण भाव आप में आए और मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मेरे अंदर ज्ञान और भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी सतत रूप में प्रवाहित हो। तो ये नहीं कि मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, ये मत सोचना मैं आपसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आया हूँ। वस्तुतः क्यों कि जब तक हम लोग नतमस्तक नहीं होंगे, जब तक समर्पित भावना नहीं आएगी, तब तक झुकना नहीं आएगा, तब तक हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनया द्याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। सुख क्या है? मोक्ष। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं सुख क्या है? मोक्ष है। मोक्ष कैसा होना चाहिए? बोलते हैं अक्षयम सुखम अश्नुते, ऐसा सुख जो कभी क्षय नहीं हो उसको मुक्ति कहते हैं। कभी नष्ट न होता हो वह सुख कहाँ से प्राप्त होगा? बोले भक्ति, प्रेम। और प्रेम कैसे आएगी? तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं भगवान की इस उसको प्राप्त करने का सामग्री है भक्ति रेव गरीयसी। उस मोक्ष को प्राप्त करने का, उस सुख को प्राप्त करने का साधन है भक्ति। विवेक चूड़ामणि में वो भक्ति क्या है देखिए, आप वहाँ आध्यात्मिक चर्चा आप व्यवहारिक चर्चा में जाते हैं। भक्ति को कहते हैं, भक्ति की सबसे बड़ी व्याख्या नारद जी ने किया है नारद भक्ति सूत्र में, और भक्ति के परम आचार्य हैं नारद जी, और परम आचार्य होने के नाते वो कहते हैं अथा तो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति की जिज्ञासा तब होगी जब आपके अंदर श्रुति रूपी वाणी, श्रुति मतलब ये नहीं कि पुराण उपनिषद है, कोई सद्वचन जो आपके हृदय को लग गए और उसके माध्यम से आपने हृदयंगम किया और उसके माध्यम से आपका जीवन परिवर्तन हो गया, तो वह है श्रुति वाणी। क्यों? वेद के जितने भी मंत्र हैं वो ऋषियों के माध्यम से बाहर प्रकट हुए हैं। क्यों? ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वेद की वाणी। इसी तरह से हम आपके सतत रूप में सत मार्ग में चलने की प्रेरणा लग जाए तो वह है श्रद्धा, उसी को कहते हैं श्रुति वाणी। और श्रुति कौन है? भगवान की दिव्य मुखारविंद से निकली हुई वाणी। और भगवान की दिव्य मुख से निकली हुई वाणी क्या है? तो यहाँ पर गुरु गीता में कहते हैं गुणाम अंधकारस्य ऋणाम तन्निरोधकः। जिस किसी ने आपको सतमार्ग में चलने की प्रेरणा दी, आपने उसको मंत्र बना लिया, और उस मंत्र को बनाने के बाद उसको अनुसरण करने के बाद आप उस मार्ग में चले गए और आगे आपने कुछ प्राप्त कर लिया इस जीवन में, तो वो जीवन में प्राप्त करने का जो श्रेय आपको मिला तो वो श्रुति वाक्य है। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गीता में ये कहा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, जिसने आपको सतमार्ग में चलाने की प्रेरणा दी। अब आपके यहाँ के प्रेरणा स्रोत कौन है? शुक्ला मां पहले शायद वही है ना। अब वो कौन है? गुरु तुल्य है, इसका नींव रखा। और गुरु पांच प्रकार के बताए गए चाणक्य नीति में, पांच प्रकार के गुरु। जिसने आपको पालन करने का भाव दिया, जिसने आपको शिक्षा दी, और जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और जिसने आपको गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र देने के बाद आचरण हीन हुआ तो गुरु गुरु नहीं है, सीधी बात है। आचरणशील होना अत्यंत आवश्यक है, इस समय आचरण का बहुत अभाव है। और जिसके आचरण पवित्र नहीं है उसका चरण कभी पूज्य हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले गुरु है इस अपना घर को अपना घर बनाने की प्रेरणा देने वाले, और आप लोग सब उनके संतति हैं। और गुरु सबसे पहले घर में कौन होता है? माँ। कौन होता है? माँ। सबसे पहले गुरु कौन है आपकी हमारे?